इलाहाबाद में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह को सौंपा। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद में गोली मारकर की गई अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा सुरक्षा दिए जाने सहित हत्या में संलिप्त हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, रत्नाकर सिंह, संजय श्रीवास्तव, प्रियानंद सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे और के त्रिपाठी ने कहा, जो प्रैक्टिस करने आ रहे थे उनकी कल आपने देखा होगा टीवी पर भी समाचार पत्रों में आया है उनकी नृसिंह हत्या कर दी गई है। जो वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, अभी भी कोई उनके ऊपर था, अगर इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी तो न्याय गरीबों को कौन दिलाएगा? और इस तरह से अगर अधिवक्ता मारे जाए, न्यायिक अधिकारी न्यायिक व्यवस्था फेल है, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, कैसे चलेगा व्यवस्था? इस आशय का एक हम पत्र दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय के लिए आपके माध्यम से क्या है, आपके माध्यम से जाना चाहिए, ये कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार कराया जाए और जो मांगे हैं उनके परिवार को दिया जाए। और जो है जो अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं आए दिन जो प्रदेश में घट रही हैं उस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था कायम करें, जिससे जो न्याय की व्यवस्था टूट जाएगी तो शेष सारी व्यवस्था खत्म अपने आप हो जाएगी। कल इलाहाबाद में अधिवक्ता अपने प्रैक्टिस करने के लिए जिला न्यायालय पर आ रहे थे, न्यायालय में पहुंचने के पहले ही हाथापाइयों ने उनकी हत्या कर दी। उस हत्या के विरोध में, जबकि अधिवक्ता ये कैसा है कि निचले गरीब स्तर के आदमी का ही और सबकी भलाई ही करता है, और प्रैक्टिस करने के लिए उस दिन तमाम उनके केसेस लगे थे, रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई, जो एक यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो हम लोगों ने एक जिलाधिकारी को एक मांग पत्र दिया है कि आप माननीय मुख्यमंत्री को हमारी मांगों को उनके यहाँ भिजवा दें, जिसमें यह था कि हमारे अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश की तरह से यहाँ भी कानून लाया जाए, दूसरी बात अधिवक्ताओं की तमाम सुरक्षा की जाए, तीसरी बात अधिवक्ता जो परिवार के मरे हुए हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपया दिलाया जाए, और उसके बाद उनके परिवार के किसी सदस्य को तत्काल नौकरी दिया जाए, क्योंकि वह उनकी अवस्था 50 साल की थी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, निरीह बच्चे हैं, वह बताइए किस तरह से उनकी व्यवस्था हो जाएगी। इस नाते इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तत्काल हमारी जो मांगे हैं उसको तत्काल अमल करके शीघ्र से इस मांग पर सार्थक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं, सुरक्षा व्यवस्था और अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था भी बोलते दिए तत्काल करें। हमारे अध्यक्ष, मेरा कहना यह है कि इलाहाबाद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है जो सम्मानित अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव की निर्मम हत्या जो है आतताई अपराधियों द्वारा जो की गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवालिया निशान है, क्योंकि अधिवक्ता जो है लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो न्यायपालिका तीसरा स्तंभ है उसका एक भाग है, और यदि अधिवक्ता सुरक्षित नहीं रहेगा तो पूरी तरह से प्रदेश की या देश की किसी समाज की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। लिहाजा अधिवक्ता के साथ यदि इस तरह से घटना घटित है तो वह निश्चित रूप से जो है कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। तो इस घटना की जो है हम सभी अधिवक्ता संगठनों ने घोर निंदा किया है, और इस घटना के विरोध में जो है हम लोगों ने आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है और यह मांग पत्र सौंपा है कि तत्काल जो है
जो उस घटना में अपराधी हैं वह अपराधी या उस घटना के षड्यंत्रकारी उनकी तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। दूसरी कि अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए। तीसरी कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी दिलाया जाए। चौथा कि उनके परिवार के किस जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। और चौथी यह कि जो ये कानून व्यवस्था जो फेल नजर आ रही है वो पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था कायम किया जाए, जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था जो है कायम रह सके, कानून का राज रह सके। अन्यथा की स्थिति में जो है यदि कानून फेल हो जाएगा तो गुंडा राज हो जाएगा और यह माना जाएगा कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लिहाजा प्रदेश सरकार जो है इस पर तत्काल अमल करे और गंभीरता से विचार करके इस पर कार्रवाई करे। यह हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा जिलाधिकारी को।